तेजाजी महाराज के देवरा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मानगरोड़ लोक देवता और गौ रक्षक वीर तेजाजी महाराज की मुख्य तिथि तेजादशमी के नजदीक आते ही उनके थानकों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार का दृश्य मानगरोड़ के निकट मालबमोरी गांव के प्रसिद्ध तेजाजी महाराज के देवरा में देखा जा रहा है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु अपनी मुराद पूरी होने पर भोग लगाकर और दसी कटवाने के लिए आ रहे हैं। यहां मान्यता है कि यदि किसी को जहरीला कीड़ा काट लेता है तो तेजाजी महाराज के देवरा में आकर रक्षा सूत्र बंधवाने से उसे उपचार मिल जाता है। इसे हरौती क्षेत्र में दसी के नाम से जाना जाता है। इस अनुष्ठान का सिलसिला पूरे वर्ष भर चलता है, विशेष रूप से प्रत्येक रविवार और तेजादशमी से 5-7 दिन पहले तक के कार्य नियमित रूप से होता है। तेजादशमी की पूर्व संध्या पर यहां भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस अवसर पर 2 दिवसीय मेले का भी आयोजन कमेटी द्वारा किया जाता है। हर साल इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं, जो इस आयोजन को विशेष और भव्य बनाते हैं। आज मोती जी महाराज, ताका जी महाराज के स्थान है, यहाँ इतनी श्रद्धालु की संख्या आती है, किस कारण से आती है? ये कारण कीड़ों का उसमें कीड़ा वहाँ की दिशा कटे थे। अच्छा, सरोवरी। अच्छा, कीड़ा कौन सा? आप कैसा गाँव से आया? मैं राजपुरा से। ये कहाँ से? अच्छा, वहाँ से आप? ये कहाँ से? तो आप ही जैसे के उसका भोग लगवाने आए? हाँ, काका जी आज यहाँ ताका जी महाराज के कैसे? यहाँ ताका जी महाराज के कैसे आए आज? आज आऊँगा ना। अच्छा, तो यहाँ का एड्रेस बनी जाती है कि कीड़े काटे काटते हैं? तो अच्छा, आज पहले भोग लगे। अच्छा, भोग लगता है आज? हाँ। तो इस उपलक्ष्य में सभी जगह आज लाडू पार्टी का भोग लगाने आए सभी भक्तजन? हाँ हाँ, सब भोग लगाने आए आज। तो आप कैसा गाँव से आए साहब? पटपड़ा से। ये ताका जी महाराज के यहाँ जो स्थान है, यहाँ सभी भक्तजन दूर दूर से आए, लेकिन यहाँ किस कारण से आते हैं? यहाँ बहुत प्राचीन स्थान है और बहुत बड़े बड़े केस आते हैं यहाँ, जो बड़े बड़े सज्जन डॉक्टरों से भी काम नहीं होता है। वो हमारे जो शक्ति है ये बहुत अच्छी काम करती है और हम भी बहुत आए हैं यहाँ। जैसे सांप बिच्छू काटते जी के संबंध में होता है? हाँ, बिच्छू भी काला वाला सांप काट जाता है, बिच्छू कोई भी कौन सा भी ऐसा कोई भी कीड़ा है, कोई भी प्रभावशाली, वो सब यहाँ मिलते हैं। उसकी क्या दशा बांध जाती है? हाँ, पहले यहाँ आते हैं, वो आने के बाद में फिर वो दसी बांध देते हैं, बांधने के बाद में फिर यहाँ भोग लगाया जाता है। अच्छा, आज इस संबंध में सब लाडू बाटी के दशा यहाँ सब जगह दिखी जा रही है। आपका खुद नाम क्या है? मेरा नाम राधेश्याम केवट है। कहाँ के निवासी हो? मैं रोडगंज है, हमारा गांव पिपलदा क्षेत्र में, हाल मुकाम सीस वाली है, अभी सीस वाली है। ठीक है।